अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी टेस्टी आलू पालक की सब्ज़ी। तो ये मैंने पालक लिया है, ये हमारा 500 ग्राम था, अच्छे से साफ कर लिया है, ये थोड़ा सा कम हो गया है तो मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है, कट कर लिया है। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, ये मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको कट कर लिया है अच्छे से साफ करके, और ये मैंने 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज का, 1 प्याज लिया है बारीक कट कर लिया है इन दोनों को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू पालक। सबसे पहले पालक को फ्राई करेंगे। ये मैंने अपने गैस पे रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसमें अपना पालक डाल देंगे, ये हल्का सा गर्म हो गया है, ये देखिए। ये ऐसे डाल दिया मैंने, हम इसे 1 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे पालक को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, अपने पालक को अच्छे से फ्राई हो गया है ये, इसको निकालेंगे बाहर अलग प्लेट में। मैंने अपने गैस पे फिर से कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है 2 टेबल स्पून। आप यहाँ पे अपनी पसंद से ऑयल डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे, ये हम 1 टीस्पून जीरे का डाल रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे, 1 पिंच के करीब हींग डाल दिया मैंने, हल्का सा तड़का लेंगे इसको। तो हल्का सा तड़क गया है ये। अब हम यहाँ पे अपनी प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक कट करके रखी हुई है, ये डाल देंगे हम, इसको हम ऐसे करके डाल देंगे। हम इसको हल्का सा सुनहरा करेंगे। तो हमारी प्याज हल्की सी सुनहरी हो गई है। अब हम यहाँ पे ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इसको ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम यहाँ पे सूखे मसाले डाल देंगे जो हमने आपको दिखाए थे, वही मसाले। ये वाले मसाले ये डाल देंगे यहाँ पे, इनको भी भून लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर दिया है, आप मसाले डालते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए ताकि हमारे मसाले जले ना, अच्छे से भून जाए। यहीं पे टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर डाल दिया बस। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर, अच्छे से मिलाएंगे इसको। एक मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं अपनी कढ़ाई को ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। तो ढक देते हैं अपनी कढ़ाई को 1 मिनट के लिए। देखिए हमारे मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, हमारे टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे आलू डाल देंगे, ये देखिए आलू डाल दिए मैंने, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे यहीं पे, 1 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल दिया मैंने। थोड़ा सा पकाएंगे हम इसको आलू को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, फिर हम इसमें अपना पालक डालेंगे, ठीक है। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे इसको। हमारे आलू को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए 2 मिनट के लिए हमने पका लिया है इनको, अच्छे से भुन गए हैं। अब हम यहाँ पे अपना पालक डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है, ये डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे इसको अपने मसाले में, आलू में। ये देखिए यहाँ पे हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक
खुद ही पानी छोड़ देता है, पालक में खुद ही पानी होता है। तो यहाँ पे पानी मत डालिए, अच्छे से मिला दीजिए बस। ये देखिए अच्छे से मिला दिया है मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, ये गरम मसाला पाउडर डाल देंगे यहाँ पे, आधा चम्मच डाल दिया मैंने। अब फिर से इसे अच्छे से मिलाएंगे और बस छोड़ देते हैं हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ये अच्छे से गल जाए, भुन जाए। देखिए इसमें पानी खुद ही आ गया है, तो यहाँ पे पानी मत डालिए वरना ज़्यादा पानी हो जाएगा सब्ज़ी में और ज़्यादा देर पकानी पड़ेगी फिर आपको। तो कढ़ाई को कर देते हैं कवर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो हमारे आलू पालक की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन गई है, भुन गई है, गल गई है अच्छे से। तो चलिए हम इसे करते हैं डिश आउट। तो हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बनी है, बनाना बिल्कुल आसान और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, आप इसे पराठा रोटी के साथ खा सकते हो। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक का बटन क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।